होप कि अब कुछ है, पावर पॉइंट स्लाइड्स जो है वो नज़र आ रही है उनकी। ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हमारे पास क्या कर रहा है कि फाइल कुछ है वो ओपन करता है, और जो सीक जी के थ्रू उस फाइल के एंड पे जो है वो चला जाता है। ठीक है, सॉरी, दिस इज नॉट द साइज ऑफ द फाइल, बट दिस इज रीडिंग अ कंप्लीट बाइनरी फाइल। किसी भी वजह से आप ये कहते हैं कि आपने पूरी की पूरी फाइल जो है वो रीड करनी है, लेट्स से उसके अंदर आपने एक एरे स्टोर करवाई थी ना, और वो पूरी की पूरी एरे जो है वो आप मेमोरी के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि फाइल को आप ओपन करें। आप जो है वो फिर आप क्या करें कि अच्छा, ये जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं, ये फाइल आप ओपन कर रहे हैं, देखें इसके अंदर जो मोड है वो एट द एंड है। आई थिंक ये चीज़ भी हमारी रह गई थी कि अपेंड और एट द एंड में क्या फ़र्क होता है। एक हमारे पास iOS कॉलन कॉलन अपेंड का मोड होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो फाइल हम लोग अगर फ़र्ज़ करें ओ एफ स्ट्रीम के थ्रू हम लोग फाइल को जो है वो ओपन करते हैं और उसके अंदर अपेंड मोड दे देते हैं, तो पहले वाले कॉन्टेंट्स हमारे पास ज़ाया नहीं होते। हम लोग जो है वो पहले जो कुछ भी राइट करते हैं फाइल के अंदर वो पहले वाले कंटेंट्स के बाद राइट होना शुरू होता है। ये अपेंड मोड हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कैन एनीवन कंफर्म प्लीज? यस सर, यस ओके, तो यस इसी के साथ हमारे पास एक एट द एंड मोड होता है। एट द एंड मोड, और इसमें फ़र्क ये होता है कि दोनों के अंदर फाइल पॉइंटर जो होता है एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट्स के एंड पे चला जाता है, लेकिन अपेंड मोड में ये होता है कि आप जो है वो जो पहले वाले कॉन्टेंट्स हैं उन्हें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब वो जो कुछ भी आप राइट करेंगे फाइल में, रीड करेंगे, वो पहले वाले कंटेंट्स के बाद होगा। पहले वाले कंटेंट्स जो फाइल में लिखे हुए उन्हें आप एक्सेस ही नहीं कर सकते अपेंड मोड के थ्रू। ठीक है, थिंक ऑफ इट कि हमारे पास जो है अपेंड मोड के अंदर एक नई फाइल बनती है, और वो फाइल जो है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसके बाद अपेंड हो जाती है, उसके आगे आ जाती है, तो पहले वाले कंटेंट्स को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में जो एट द एंड मोड होता है, ये उस हद तक तो अपेंड की तरह ही है कि अपेंड जिस तरह फाइल के एंड पे फाइल पॉइंटर को ले जाता है, तो एट द एंड जो है जब इस मोड से ओपन करते हैं तो तब भी हमारे पास फाइल पॉइंटर जो होता है वो फाइल के एंड पे होता है, राइट? इट इज़ एट द एंड ऑफ द फाइल। लेकिन फ़र्क ये होता है कि एट द एंड मोड के अंदर हम लोग अगर राइट करना चाहें तो उस जो एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट्स हैं उससे आगे राइट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हम लोग जो है वो फाइल के शुरू में भी आ सकते हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट्स हैं फाइल के उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बाइनरी फाइल को हम लोग ओपन करते हैं एट द एंड मोड के अंदर, और फिर हम लोग क्या करते हैं टेल जी का, क्योंकि फाइल पॉइंटर उसके एंड पे है तो टेल जी का फंक्शन हमें बता देगा कि कितने बाइट्स पे भी फाइल पॉइंटर है, दैट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स इन द फाइल। वो हम लोग जो है वो उसे एक इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर, साइज इसका नाम है, उसके अंदर हम लोग जो है वो स्टोर करवा लेते हैं, और फिर हम लोग उस साइज का एक मेमोरी ब्लॉक जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक हम लोग करेक्टर टाइप का जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं फाइल पॉइंटर को जो है वो फाइल के शुरू में लेके आते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो जो फाइल का साइज था उतनी बाइट्स फाइल से रीड करते हैं। ठीक है, साइज स्पेसिफाई करते हैं कि उतनी बाइट्स रीड करनी है जो फाइल का साइज है, और उतनी बाइट्स को उठा के जो हम लोगों ने मेमोरी ब्लॉक का एक वेरिएबल, एक एरे डिक्लेयर की थी, उसके अंदर हम लोग उसको ले जाते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि पूरी की पूरी फाइल जो है वो हमारे पास एक ही मरतबा मेमोरी के अंदर आ जाएगी। जिस तरह मैंने कहा था, इसकी एप्लीकेशन ये हो सकती है कि हमारे पास एक एरे थी जो हम लोगों ने बाइनरी फाइल में स्टोर करा दिया, हम लोग पूरी की पूरी एरे एक ही वक्त में रीड करना चाहते हैं, उसे एलिमेंट बाय एलिमेंट रीड नहीं करना चाहते, तो ये हमारे पास एक तरीका है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जितने देखें हम लोग फाइल ऑपरेशंस करते हैं ना, उतना वो जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो उतना हमारे पास ज़्यादा होता है। फाइल ऑपरेशंस आर एक्सपेंसिव, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि हम लोग कम से कम फाइल ऑपरेशंस के अंदर जो है वो काम जो है वो कंप्लीट करें। अच्छा जी,